एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो रिलेटेड है रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट जो आई है, एक अच्छी वैकेंसी आई है इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत वैकेंसी जो आई है, जो पोजीशन आपको दी जाएगी वो है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की। टोटल जो वैकेंसी है इसमें 39 वैकेंसी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन। यदि आप ग्रेजुएट हैं और साथ ही साथ आपको शॉर्ट हैंड आता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म जो होगा वो ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दिया, 39 वैकेंसी है टोटल इसमें। एज लिमिट जो है इसमें 21 ईयर्स लेकर 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए आपकी मिनिमम। और आप इसमें जो भी अप्लीकेबल है, जो कैटेगरी है आपकी, जैसे ओबीसी कैटेगरी के अगर आप हैं या एससी एसटी कैटेगरी के हैं, तो आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट अकॉर्डिंग, जो छूट मिलती है आपको 3 ईयर्स 2 ईयर्स 5 ईयर्स, वो इसमें भी मिलेगी आपको। अब बात करता हूँ पेमेंट की। पेमेंट जो इसमें होगा वो ऑनलाइन पेमेंट होगा। आप इसमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो पेमेंट आपको करनी है इसमें, वो ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी का आप हैं तो आपकी जो फ़ी है वो 750 रुपये है। यदि आप एससी एसटी या पीएच कैटेगरी के हैं तो आपकी जो फ़ी होगी वो 500 रुपीज़ होगी। अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 7 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। अप्रॉक्सीमेट 3 डेज हो चुके हैं और ये इसका लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने का, वो 22/11/2017 में है। आप इससे पहले आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, अच्छी वैकेंसी है ये। और आपको जो वेबसाइट फॉलो करनी है, जिस वेबसाइट के ऊपर आपको फॉर्म अप्लीकेशन करने हैं, अप्लाई करने हैं, वो है वेबसाइट का नाम है www.upsc यानी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का जो शॉर्ट फॉर्म है upsc.cbtexam.in। इसी वेबसाइट को फॉलो करना है, इसी पे ही आपका फॉर्म का अप्लीकेशन होगा। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो इसमें रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके लास्ट में सिलेक्शन आपको दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन के लिए मैं एप्लीकेशन का जो डिटेल है और साथ ही साथ ऑनलाइन लिंक मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करके नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन डिटेल में रीड कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिए। साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करने का मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर एक बार क्लिक करते ही आप उस पेज पर आ जाएंगे जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी आते हैं मैं आपके पास आसानी से पहुंचा सकूं, और साथ ही साथ ऑन सेम टाइम आप इस वीडियो को देख सकें।